राजस्थान के ओसिया से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा की राहुल गांधी के साथ एक फोटो खूब चर्चाओं में है। इस तस्वीर को लेकर विरोधी दलों की तरफ से अजीबोगरीब बयान भी सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल ने यहां तक कह दिया कि चिपकने से कोई सीएम नहीं बनता है। दरअसल 21 और 22 नवंबर को दिव्या मदेरणा महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आई थी, जिसकी एक तस्वीर उन्होंने ट्विटर पर भी शेयर की और लिखा, इनकलाब सुबह की कुछ कम नहीं ये भी दलील, पत्थरों को दे रहे हैं आईने खुलकर जवाब। दिव्या ने आगे लिखा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे के साथ ये जन सैलाब देश में भाजपा की विभाजनकारी नीति के खिलाफ राहुल जी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। दिव्या ने ये फोटो 23 नवंबर को ट्वीट की। इसके बाद सियासी तंज और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। 23 की शाम को सांसद हनुमान बेनीवाल ने नाम लिए बगैर दिव्या की फोटो पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिस तरह आप महिलाओं का अपमान कर रहे हो, ये क्या यहाँ कोई इंग्लैंड और अमेरिका थोड़ी है जो आधे कपड़ों में लोग घूम रहे हैं। हमारे कई किसान की बेटियां और अभिनेत्रियां राहुल के साथ चिपक चिपक कर फोटो ले रही हैं। उससे कोई मुख्यमंत्री बनता है क्या? उनकी अकल का दिवाला निकल गया, उनका भी साथ में राहुल जी का भी। इतना ही नहीं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पूर्व विधायक अरुण यादव ने दिव्या और राहुल की फोटो ट्वीट करके यूजर्स से कैप्शन मांगे थे। हालांकि दिव्या ने इन सारे हमलों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से दिया है। दिव्या ने अरुण यादव के कैप्शन वाले ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, बड़े भाई, संरक्षक, अभिभावक, करुणा और मानवीय गुणों से परिपूर्ण हमारे नेता राहुल गांधी जी। दिव्या ने तीसरा कैप्शन देते हुए लिखा, राहुल गांधी जी अजेय और अपराजेय हैं ऐसी कुंठित सोच व ताकतों से। दिव्या ने चौथा कैप्शन दिया, ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा एक जन आंदोलन बन गई है, भाजपा की असुरक्षा साफ झलक रही है। दिव्या ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए एक कैप्शन में लिखा, शेम ऑन यू, यू माइट ऑल्सो हैव अ डॉटर, वाइफ, मदर। एक और कैप्शन में दिव्या ने लिखा, गार्जियन यानी कि पितृहीन शिशु का संरक्षक। दिव्या ने अरुण यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि एक दल के शीर्षतम नेता का अपने लोगों को इतनी करुणा भाव से एहसास करना कि आप कांग्रेस परिवार का अमूल्य हिस्सा हैं, ये दर्शाता है कि वो कांग्रेस के कट्टर समर्थकों के प्रति कितने संवेदनशील और भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, और ये मानवीय गुण आप जैसे नेताओं में विलुप्त है। एक अन्य ट्वीट में दिव्या ने लिखा, मैदान में जब कोई शस्त्र नहीं बचे हो वार करने के लिए, तब व्यक्तिगत और अनर्गल निजी आरोपों के तीरों से प्रहार करो, इससे नीचतम स्तर राजनीति का हो ही नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।